So good morning students, this is your chapter 3rd of your NCERT book, Metals and Non-Metals and Their Properties. इस चैप्टर को बेसिकली बेटा हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे. सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं. दूसरा पार्ट इसका हम पढ़ेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और तीसरा पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे मेटलर्जी का. तो सबसे पहले हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से शुरू करते हैं. बेसिकली वॉट आर मेटल्स एंड वॉट आर नॉन मेटल्स. सो स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स मेरे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की क्या बात है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर मीन्स अगर आप मेटल्स को किसी के भी साथ रिएक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसको रिलीज कर देंगे. ये तो थी हमारी एक केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी से भी पहले हटकर आते हैं. आप लोगों ने एर्थ क्लास में मेटल्स के बारे में पढ़ा है. एर्थ क्लास में एक फुल फ्लेज चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सब्सटेंसेस के बारे में. वहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हैं, ये प्रॉपर्टीज आपने वहाँ पढ़ी थी. सबसे पहला आपने ये पढ़ा था कि मेटल्स आर सॉलिड्स. 99% जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स हैं दे आर सॉलिड इन नेचर. बेटा मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. आप लोगों ने मरकरी को, सब बच्चों ने देखा होगा मरकरी को थर्मोमीटर में. जो सब्सटेंस, जो बिल्कुल शाइनिंग लेयर हमें बताती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, दैट इज बेसिकली मरकरी. वो हमारी बॉडी जब हीटअप होती है उस हीट से फ्लो करता है, और फ्लो करने पर जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना शो करता है. तो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर बाकी सारे के सारे जो मेटल्स होंगे वो सॉलिड होंगे मरकरी को छोड़कर. ये एक एक्सेप्शनल केस है. सेकेंड पार्ट, मेटल्स आर हार्ड. बिल्कुल मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं. आप छूकर देखिए, आपके घर में आयरन का गेट होगा, आपके घर में किचन में भी आप देख सकते हैं बड़े सारे अलग अलग तरह के मेटल्स और एलॉयज के बर्तन हैं, कितने हार्ड हैं वो. तो दीज आर हार्ड मेटल्स एक्सेप्ट दीज थ्री. इन तीन मेटल्स को छोड़कर बाकी सब बहुत हार्ड है. आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आप इसके अलावा जिंक ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, दे आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम. अब लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम की अगर मैं बात करूं तो बेटा लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. चाकू तक से आप इसको काट सकते हैं. सोडियम तो हमने बहुत यूज किया है, क्योंकि जैसे ही आप 12th के बाद साइंस ऑप्ट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, या किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं, वहाँ अगर आप जाते हैं तो यू विल नेचुरली डू योर प्रैक्टिकल्स. प्रैक्टिकल्स आप करेंगे तो वहाँ आपको सोडियम से ज़रूर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. एंड सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको बड़ी ही आसानी से कट कर सकते हैं. तो दीज आर द एक्सेप्शंस. नाउ द थर्ड थिंग इज मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. मेटल्स में अपनी एक चमक होती है. आप लोग गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, इवन कोई नई चीज़ आपके घर में बर्तन आता है, स्टील का नहीं करूँगी मैं बात, मैं सिर्फ मेटल की बात करूँगी, या कोई भी शो पीस हम घर में लेकर आते हैं तो वो बहुत शाइनिंग होता है, उसमें बड़ी शाइन होती है, तो उसको कहते हैं लस्टर. तो मेटल्स में जनरली क्या होता है? लस्टर होता है, शाइन होती है. मेटल्स आर मैलिएबल. बिल्कुल आपने पढ़ा है कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उनको बीट करें, अगर हम उनको गर्म करें और बीटिंग करें उनकी, तो वो थिन शीट्स में बदल जाते हैं. और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे टिफिन की एल्यूमिनियम फॉयल. हमारे टिफिन में जो एल्यूमिनियम फॉयल है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मेलिएबिलिटी ऑफ अ मेटल, कि हम मेटल को थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इन टू लॉन्ग वायर्स. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी. और आपने देखा है अपनी आंखों से कि आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है वो सब वायर से हुई है. तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. इसके अलावा हमारे रोड साइड पे आप देख सकते हैं जो पोल्स लगे हैं इलेक्ट्रिक के, इलेक्ट्रिसिटी के, उन पर भी मोटे मोटे वायर्स लगे हैं जस्ट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. बिल्कुल. अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्ट का मतलब होता है पिघलना. इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई मेटल लिक्विड स्टेट में आ जाए, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाए, मेल्ट होकर, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट.
सारे मेटल्स का लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। दीज टू मेटल्स गैलियम एंड सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, मतलब ये सिर्फ हमारे हाथ की गर्मी से, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑलमोस्ट उतनी टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों के होते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट में बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, कॉपर है, और पुअर कंडक्टर में लेड एंड मर्करी आते हैं। दीज आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी इनमें भी कंडक्ट होती है, ऐसा नहीं है कि कंडक्ट नहीं होती, लेकिन कम होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं होती जितना कि सिल्वर एंड कॉपर में होती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो ट्रांसमिशन के वायर्स हैं वो कॉपर के एल्यूमिनियम मिक्स किया जाता है और वो बनाए जाते हैं। सिल्वर में हीट कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो उनमें जो बहुत फाइन डिज़ाइंस होते हैं, आप देखिए ज्वेलरी में कितना बारीक डिज़ाइन होता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं इतना बारीक डिज़ाइन ज्वेलरी जो ज्वेलर है वो बनाता है। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है कि क्योंकि सिल्वर की ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द रीजन के सिल्वर के गोल्ड के, गोल्ड में भी होती है ये प्रॉपर्टी, हम बहुत फाइन डिजाइंस बना सकते हैं। कॉपर उनमें मिक्स किया जाता है उनको हार्ड करने के लिए, अदरवाइज हम सिल्वर और गोल्ड को पहन नहीं पाएंगे क्योंकि वो नॉर्मली सॉफ्ट मेटल्स होते हैं प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म अगर उनकी हम लेंगे तो दे आर वेरी सॉफ्ट। नाउ मेटल्स आर सोनोरस, बिल्कुल ठीक बात है, मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। आपके हाथ से अगर कोई मेटल का पीस गिर जाए कितनी आवाज आती है, टन, बहुत तेज आवाज होती है, दैट इज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। तो दिस इज अबाउट मेटल्स, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये मेटल्स के बारे में था। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम वही सेम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमने अभी मेटल्स की पढ़ी है, बस हमें डिफरेंस देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस, देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस है। पहला पॉइंट जो हमने मेटल्स में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल्स में तीनों कैटेगरीज प्रेजेंट हैं, सॉलिड्स भी प्रेजेंट है, लिक्विड्स भी प्रेजेंट है और गैसेस भी प्रेजेंट है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1-1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज गैसियस इन नेचर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर, लाइक दैट। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर एटलीस्ट 1-1 एग्जाम्पल ऑफ ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जबकि हमने पढ़ा था मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स में कौन से मेटल्स थे, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, लेकिन यहाँ पर 99% नॉन मेटल सॉफ्ट हैं एक्सेप्ट डायमंड। बेटा डायमंड जो है एक्चुअल में नॉन मेटल नहीं है, डायमंड जो है एक नॉन मेटल का एलोट्रॉप है। आपने कार्बन पढ़ा है, आप कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड। डायमंड इज नॉट अ नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं है डायमंड, लेकिन वो कार्बन से बना है, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसीलिए डायमंड को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डायमंड से हार्ड सब्सटेंस हमारे यूनिवर्स में नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो इनेमल है, जो हमारा टूथ के ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग है, जो टीथ के ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग है इनेमल कहते हैं उसको, वो हमारी बॉडी का बोन से भी ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी से अलग बात करूं तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, बिल्कुल नॉन मेटल्स में कोई लस्टर नहीं होता जबकि मेटल्स में लस्टर होता है। आयोडीन को छोड़कर बाकी किसी भी नॉन मेटल में कोई लस्टर नहीं होता, आयोडीन में शाइनिंग होती है। नाउ नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेटल्स की थी उनसे अपोजिट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, बिल्कुल उनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैलिएबिलिटी मतलब उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट मतलब अगर हम इनमें ट्राई भी करें इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, हीट पास नहीं होगी, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट पास नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, हमारी किचन में
चिमटा होता है, मम्मा उससे खाना बनाती हैं, अगर ज़्यादा देर तक चिमटे को गैस पर रखा जाए तो वो पीछे तक गर्म हो जाता है, तो दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा किचन में जाके, आपका जो कुकर का हैंडल है, आपकी जो आजकल नॉन स्टिक के बर्तन हम बहुत यूज़ करते हैं, या आजकल जो कढ़ाइयाँ स्टील की भी आ रही हैं उनमें भी जो उनके हैंडल्स आ रहे हैं वो बेकेलाइट के आ रहे हैं, कि अगर हम उसको पकड़े भी तो हमें गर्म ना लगे। तो दैट इज़ अ बैड कंडक्टर, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बैड कंडक्टर है हीट का, दैट इज बेकेलाइट, तो वो भी हम यूज करते हैं। नाउ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बेटा ग्रेफाइट इज अगेन नॉट अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट नॉन मेटल नहीं है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और ग्रेफाइट की फॉर्म में जो वो है वो गुड कंडक्टर है। अब मुझे ये दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है कि ऐसा क्यों है, वॉट इज द रीजन कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और जबकि वो एक नॉन मेटल से बना है। तो ये दोनों चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यू कैन से द लास्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। बिल्कुल, नॉन मेटल्स के गिरने पर हमें कोई आवाज नहीं आती है। अब हम बात करेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में। बेटा डायमंड एंड ग्रेफाइट, कार्बन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी। ओके, कार्बन के जो आपका कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। क्लास का कोई बच्चा मुझे ये बताएगा